नमस्कार, मैं हूं दिबांजी मोइत्रा। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के जमातियों को ढूंढने में जहां प्रशासन पूरे देश में परेशान है, वहीं कुछ राज्यों से अभी भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो राज्य सरकारों को सोचने पर मजबूर कर दे। भारत के केस तमिलनाडु और महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं। आपको हम इन दोनों राज्यों का हाल दिखाते हैं, फिर आप खुद सोचिए कि इन राज्यों में सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे ठेंगा दिखाकर लोग अभी भी आम दिनों की तरह बाजार में जुट रहे हैं। पहली तस्वीर आपको तमिलनाडु की दिखाते हैं। तमिलनाडु के मदुरई की ये तस्वीर है जहां के सब्जी बाजार में आम दिनों की तरह लोग भीड़ में जुटे थे। हजारों के तादाद में लोग घर का सामान लेने निकल गए। इन लोगों को देखकर लगता है कि इन्हें या तो कोरोना के फैलने के बारे में कुछ पता ही नहीं, या फिर इन लोगों ने सरकार और राज्य सरकार की बातों को नहीं मानने की ठान ली। अब आप खुद सोचिए कि सरकार इस संक्रमण पर रोक कैसे लगाए जब लोग खुद समझने को तैयार नहीं है। अब आपको दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र की दिखाते हैं, या यूं कहें कि देश की आर्थिक राजधानी की दिखाते हैं। ये तस्वीर मुंबई की है। मुंबई के दादर सब्जी मार्केट को देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि इस देश में फिलहाल लॉकडाउन है। किसी को घर से नहीं निकलने की हिदायत दी गई, जनता को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कहा गया है, लेकिन आम लोगों को लगता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी तो वो आम दिनों की तरह ही सब्जी भाजी खरीदने घर से निकलकर सब्जी बाजार तक पहुंच गए। उन्हें यह अंदेशा नहीं कि क्या पता जब वापस घर आए तो अपने साथ वायरस को भी ले आए। हमारी एक बार फिर से आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें, वरना स्थिति अगर बद से बदतर हो गई तो इस देश में संभालना मुश्किल हो जाएगा।